तो यहाँ पे आज बहुत मुश्किल हो रखा है भाई, यहाँ फोटो चाहिए, ये चाहिए, क्या बताए क्या है पुलिस यार, हट। तो हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के ये सोच रहे कि मुझ जैसा शरीफ लड़का पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है। तो दरअसल मैं वहाँ पे एक कंप्लेन फाइल करने गया था, और केस है, वो केस आप पहले देखिए। पहले आप तुम जैसी लड़की की वजह से ना आजकल मेरे से हैंडसम बंदों को निकलना मुश्किल हो गया। कौन खाएगा मेरा खर्चा है? मैं बोला तो मैं उठाऊंगी। मैं तू खाएगी, तू तेरे दोस्तों ने मेरे को आई लव यू बोल बोल के मेरा जीना हराम कर दिया यार। हट हट। तो देखा आपने, देखा कैसे वो लड़की मुझे छेड़ रही थी, बीच चौराहे पे वो मुझे छेड़ रही थी, और मैं उसकी कंप्लेन लेके गया पुलिस में, मगर पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेन फाइन नहीं करी। और यही नहीं, ऐसी 20-25 लड़कियाँ और हैं जो मुझे आए दिन रोज छेड़ती रहती हैं, मगर पुलिस वाले मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। यार लगता है कि अब तो यार हैंडसम होना पाप ही हो गया यार। आप लोगों को तो ये फेस करना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि आप लोग तो हैंडसम हो नहीं, मगर क्या पता आपके बच्चे हैंडसम हो जाए, तब आपको पता चलेगा। और इस कारण मैं कोर्ट भी पहुंचा। तो यार कोर्ट में भी सब यही था, मैडम ने बोला ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि कोई हैंडसम बंदे को छेड़े हम कुछ केस करें। पुलिस वाले भी सही है, उन्होंने भी उनको सही ठहराया, और यहाँ तक कि जो मैडम है वो भी मुझे छेड़ने लगी हैंडसम से कह के। तो यार मैं आंसू छुपाने के लिए काला चश्मा पहना हुआ, भगवान ना करे कि कोई और बंदा कोई हैंडसम हो मेरे अलावा, बहुत कुछ छाना पड़ता है।